तो जैसा आप सभी को थंबनेल से पता हो गया होगा कि इसमें मैं आप सभी को आधार सेंटर का आईडी लेने के लिए मैं बताऊंगा कि आधार सेंटर का आईडी कैसे मिलेगा और इसमें क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं इसमें कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करके अपने बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और जितने भी फ्रेंड होंगे सभी फ्रेंड को शेयर कर दीजिए। तो मैं इसमें आपको बताऊँगा पैन सेंटर लेने के लिए कि आपको क्या क्या प्रक्रिया अपनाना होगा, कहाँ से मिलेगा पैन सेंटर। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा, तो यहाँ पर आप टाइप करना है यूटीआई, तो यूटीआई पैन, यूटीआई पैन के माध्यम से यहाँ पर आपको आधार सेंटर दिया जा रहा है। तो एक सर्विस है जो यहाँ पर दिया जाता है, जैसे ओपन करेंगे इस तरह से सर्च कर लेंगे। सर्च करने के बाद ये वाला पहला जो लिंक आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ऊपर में, ये वाला, इसको आपको ओपन कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। तो चलिए इस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर यूटीआई का जो सर्विस है, यहाँ पर मेन ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर आपका ओपन हो जाएगा जिस तरह से आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है। एक बात यहाँ पर ध्यान देंगे कि जो भी आप यूटीआई से आप इसमें सर्विस अपडेट लेते होंगे, तो उन लोगों को यहाँ पर उम्मीद ज़्यादा रहता है कि आपको अगर यूटीआई से अगर पैन कार्ड बनाते होंगे, अगर यूटीआई के आप रिटेलर रहे होंगे, तो आपको यहाँ पर पैन सेंटर आपको जल्दी देने की कोशिश किया जाएगा। अगर आप यूटीआई का पैन सेंटर अगर लेना चाहते हैं, अगर यूटीआई का अगर पैन कार्ड यूटीआई से अगर बनाते हैं उसके लिए, या आप यूटीआई का अगर पैन कार्ड बनाने के लिए आईडी पासवर्ड चाहिए, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं आपको यूटीआई का आईडी पासवर्ड यहाँ पर दे दूंगा, जिससे आप घर बैठे आप पैन कार्ड को बना सकते हैं, साथ ही साथ में नया पैन कार्ड बना सकते हैं, और इसमें जो भी आपका पैन कार्ड में गलत होगा सुधार करने के लिए आपको आईडी दे दिया जाएगा। तो सुधार करने के लिए आईडी के लिए आपको कॉन्टैक्ट करना होगा, जो आपको मैं कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जहाँ से आप मेरे व्हाट्सएप पर जुड़कर आप मुझसे यूटीआई का पैन कार्ड का रिटेलर आईडी या डिस्ट्रीब्यूटर आईडी हमसे ले सकते हैं, जिससे आप पैन कार्ड बनाएंगे और सुधार भी कर सकते हैं, वो भी मात्र 101 रुपये में पैन कार्ड को। तो यहाँ पर मैं आपको आधार कार्ड के सर्विस के बारे में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर होम पेज पर चले आना, इस वाले पेज पर। इसका लिंक वैसे मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, या तो आप जो मैंने शुरू से बताया उस वाले डिस्क्रिप्शन के अनुसार जाएंगे, और यहाँ पर आप इस तरह से पेज पर ओपन हो जाएंगे। और यहाँ पर आपको आने के बाद आपको पेज कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ आधार सर्विस, इस वाले सेक्शन पर आपको एक बार क्लिक कर लेना होगा। तो चलिए मैं इस पर आपको एक बार क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद आपको पेज कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, और यहाँ पर आपको लिखा है ऑनलाइन अपॉइंटमेंट, आधार कार्ड अगर बनाना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे। अगर आप सर्विस के बारे में आप जानना चाहते हैं कि फ़ी क्या क्या है और लोकेशन कहाँ कहाँ है, तो यहाँ पर फी लोकेशन के लिए यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर पेज कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। अभी जो यूटीए के माध्यम से जहाँ जहाँ सर्विस प्रोवाइड किया गया है, यानी कि जहाँ जहाँ अभी सर्विस मिला है यूटीए के माध्यम से, जो यूटीए जो पैन कार्ड बनाते होंगे, तो उनके माध्यम से जो भी आधार सेंटर मिला है उसका यहाँ पर लोकेशन, यहाँ पर डिटेल दिया गया है, यहाँ से लोकेशन के लिए इस पर आप देख सकते हैं। यहाँ यहाँ अभी लोकेशन दिया गया है, मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, तब यहाँ तक आप लोग लोकेशन देख सकते हैं। और इसमें पहले आपको मैं बताता हूँ कि यूटीआई में आप जो आधार सेंटर मिलेगा उसमें आपको फी कितना कितना लगेगा, और उसमें क्या क्या सर्विसेज आप कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पर आना है फिर से इसी वाले पेज पर, और यहाँ पर सर्विस अवेलेबल एंड फी वाला पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आप जैसे क्लिक करोगे तो पेज कुछ ऐसा ओपन होगा, और ओपन होने के बाद यहाँ पर सभी डिटेल बताया गया है। जैसा कि आपको यहाँ पर पहला नंबर में यहाँ पर लिखा है आधार एनरोलमेंट अडल्ट या चाइल्ड, या बच्चे का बना सकते हैं या किसी यंग व्यक्ति का बनाएंगे तो आपको फ्री में बनेगा, उसका कोई चार्ज नहीं देना होगा। दूसरा में यहाँ पर मॉडरेटरी बायोमेट्रिक अपडेट MBU एलॉन्ग विथ डेमोग्राफी अपडेट, अगर डेमोग्राफी अपडेट अगर कराते हैं बायोमेट्रिक अपडेट के माध्यम से, तो ये भी यहाँ पर आपको फ्री में होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि फुल बायोमेट्रिक विदाउट डेमोग्राफी, अगर बिना डेमोग्राफी के माध्यम से अगर फुल बायोमेट्रिक अपडेट कराते हैं तो आपको यहाँ पर 100 रुपये चार्ज यहाँ पर देना होगा। और यहाँ पर ओनली डेमोग्राफी अपडेट अगर कराते हैं तो इसमें आपको केवल 50 रुपये चार्ज देना होगा। अगर ई आधार कार्ड डाउनलोड अगर करना चाहते हैं कलर प्रिंट और ऑफ ऑन A4 शीट पर, जैसे कि आपके मोबाइल में आधार नंबर लिंक है, तो आप फ्री में आप OTP के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आप बायोमेट्रिक के माध्यम से आप आधार कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके लिए आपको 30 रुपया पेमेंट देना होगा। तो आपको ये वाला सर्विस यहाँ से आधार सेंटर आपको जब मिलेगा, ये वाला डिटेल के अनुसार यहाँ पर आधार सेंटर जब मिलेगा, तो भी ये वाला आप अपना टोटल जितना भी काम है ये वाला आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर बताया मैं सर्विस के लिए, और लोकेशन बताया कहाँ कहाँ है लोकेशन और कितना चार्ज लगता है, ये इसका मैं डिटेल बताया। अब मैं बताने वाला कि आधार सेंटर लेने के लिए आपको कहाँ कांटेक्ट करना होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि इसमें आपको डायरेक्ट फिर होम पेज पर यहाँ पर चले आना है। आप होम पेज पर आएंगे, और होम पेज पर आने के बाद यहाँ से आपको लिखा है कॉन्टैक्ट अस, इस पर आपको जाना, इस पर क्लिक करना होगा।
और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिखा फॉर पैन के लिए और फॉर अदर इंक्वायरीज के लिए। अगर आप पैन कार्ड के लिए आप यूटीआई का आईडी और पासवर्ड लेना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, वहाँ से आप कांटेक्ट करके आप यूटीआई का पैन का रिटेलर आईडी और डिस्ट्रीब्यूटर आईडी ले सकते हैं, जिससे आप घर बैठे पैन कार्ड को बना सकते हैं, साथ ही साथ में सुधार कर सकते हैं। और कोई भी अगर पैन कार्ड से दिक्कत होता है तो आप हमारे वीडियो को जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर आपको फुल यहाँ पर डिटेल बताया जाता है पैन कार्ड के रिलेटेड। और यहाँ पर मैं बताने वाला आधार कार्ड के लिए कॉन्टैक्ट करना है, तो फॉर अदर इंक्वायरीज पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको पेज कुछ ऐसा देखने को मिला है, जैसा कि आपको यहाँ पर कुछ पेज ओपन हो रहा है। पेज कुछ ऐसा आपको ओपन होगा और ओपन होने के बाद यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर पैन का आधार कार्ड डिटेल दिया गया है। यहाँ पर लिखा हुआ है क्वायरीज रिलेटेड टू यूटीआई स्कीम के माध्यम से, यहाँ पर यूटीआई म्यूचुअल फंड एंड नाबार्ड ऑल स्कीम यूटीआई रजिस्टर्ड, यहाँ पर लिखा हुआ जो भी अभी जितने भी स्टेट का यहाँ पर आधार सेंटर मिल रहा है उन सभी के लिए, केवल यहाँ पर अभी 4 स्टेट ही यहाँ पर अवेलेबल है जहाँ अभी आधार सेंटर यूटीआई के माध्यम से दिया जा रहा है। अभी जितने व्यक्ति अगर आप जो भी आप पैन कार्ड बनाते हैं यूटीआई के माध्यम से, तो जितने भी स्टेट से हैं आप, जहाँ जहाँ से भी हैं आप जल्द से इसका आईडी पासवर्ड ले लीजिए। जैसे आपका मतलब आपके एरिया में संख्या यूटीआई वाले का अधिक होगा तो आपका यहाँ पर स्टेट का नाम ऐड कर दिया जाएगा और जिससे आप यहाँ पर आधार सेंटर ले सकते हैं। वैसे आप अगर इस स्टेट से नहीं भी हैं तो आप इस वाले यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सभी डिटेल दिया गया है आपको कॉन्टैक्ट करने के लिए। आप एड्रेस यहाँ पर देख सकते हैं और यहाँ पर आप एक बात पर ध्यान दें, किसी चालबाजी में ना फंसेंगे। आप इसी वाले ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे और अपने अपने अनुसार अपने तरीका से बात करेंगे, अच्छी तरह से बात करेंगे और यहाँ पर आप अपने आधार सेंटर के बारे में यहाँ पर जानकारी ले सकते हैं। और मैं यहाँ पर अदर स्टेट के लिए यहाँ पर और देख सकते हैं, अगर आप यूटीआई के से अगर आप नहीं अगर हैं तो भी आप ले सकते हैं, लेकिन अगर आप यूटीआई का रजिस्टर्ड पहले से हैं तो अब उसके लिए आपको जल्द से जल्द उम्मीद रहता है मिलने के लिए। तो यूटीआई का रिटेलर आईडी और पासवर्ड लेने के हमसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और आधार कार्ड के बारे में कॉन्टैक्ट करने के लिए आपको इसी वाला 4 अभी स्टेट में अवेलेबल है, जहाँ से आप जिस अभी 4 स्टेट के आप व्यक्ति होंगे तो यहाँ से आप अपना सेंटर खोल सकते हैं। तो यही थी छोटी सी अपडेट, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप कौन से स्टेट से हैं और कौन से स्टेट के लिए आप आधार सेंटर खोलना चाहते हैं आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उसके लिए जैसे ही इसका एड्रेस यहाँ पर अपडेट कर दिया जाएगा, जैसे ही स्टेट अपडेट किया जाएगा, मैं आप सभी को वीडियो बनाकर एक फिर से लेकर आ जाऊँगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।